Welcome to Science Think, and in this video we will see how to find LCM of any two numbers. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे किन्हीं भी दो नंबर्स का LCM निकाल सकते हैं. तो हम सपोज करते हैं हमारे पास में दो नंबर्स हैं A एंड B. हमें इन दोनों का LCM निकालना है. LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. सो LCM इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ A एंड B. सो वी हैव सम स्टेप्स टू फाइंड द LCM. फर्स्ट वी राइट द नंबर्स इन अ रो सेपरेटेड बाय द कॉमास. सपोज आई हैव 12 and 8. So we will write these two numbers like this, separated by a comma. Then we will extend this line. Now we will divide these numbers by the least prime number, which divides at least one of the numbers. तो अब हम इन numbers को divide करेंगे by the least prime number, जिनमें से at least एक number हमारा divide हो सके. तो अब हम देखेंगे वो लोएस्ट नंबर जिसकी टेबल में ये हमारे दोनों नंबर आते हों. तो वो टेबल होगी 2 की, क्योंकि 2 की टेबल में 12 आता है एंड 8 भी आता है. सो 2 वो नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे. तो हमने 2 इसलिए लिया क्योंकि वो लोएस्ट था. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 एंड 2 इंटू 6 होता है 12 एंड 2 इंटू 4 होता है 8. तो 2 6 are 12, 2 4 are 8. तो अब हमारे पास में आ गए 6 and 4. अब हम फिर से लोएस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे. सो द लोएस्ट डिविजर विल बी 2, बिकॉज 2 into 3 is equal to 6 एंड 2 2s are 4. अब हमारे पास में आ गया 3 and 2. तो एक हमारे पास में है ऑड नंबर और ये प्राइम नंबर भी है, एंड एक है हमारे पास में इवन नंबर. तो अभी किसी कॉमन फैक्टर से नहीं जाएंगे. तो हम यहाँ पर पहले 2 1s are 2 कर सकते हैं, क्योंकि 2 1s are 2 से चले जाएगा, लेकिन 3 2 से नहीं जाएगा. तो 3 हम एज इट इज लिखेंगे. अब हम डिवाइड करेंगे 3 को. सो यहाँ पर भी हो जाएगा 3 1s are 3 एंड 1 हम एज इट इज लिखेंगे. हम इसे तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास में एट लास्ट 1 नहीं आ जाता. तो अब हम देखेंगे LCM. LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम डिविजर्स. सो वी विल राइट दीज एज 2 into 2 into 2 into 3. So this will be 2 into 2 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. So 24 is the LCM of 12 and 8. So simply आपको LCM इसी तरीके से निकालना है. आपको जो भी numbers दिए गए हैं उनको comma से separate करके अलग अलग लिखना है. Then आपको lowest number देखना है जिससे कि ये दोनों ही divisible हों. So हमने देखा कि 2 से ये दोनों जा रहे हैं. 2 6 are 12 होता है, 2 4 are 8 होता है. देन अगेन हमारा 2 से गया, देन हमारा 2 से गया, लास्ट में हमारा 3 से गया. LCM लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 2 into 2 into 2 into 3, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में LCM आ जाएगा इन दोनों नंबर्स का. इसी तरीके से हम आगे देखते हैं. Now we will see LCM of 7 and 5. So ये काफ़ी सिंपल नंबर्स हैं. आपको एक नंबर 7 दिया है एंड एक 5 दिया है. सो आप देख सकते हैं कि दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं एंड ऑड नंबर हैं. सो ये प्राइम नंबर्स हैं. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई इट्सेल्फ और 1. सो ये सिर्फ खुद से ही डिविजिबल होंगे या फिर 1 से होंगे.
तो अगर ये खुद से डिविजिबल है मतलब इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो इनका कोई कॉमन डिविजर नहीं है, सो ये सिर्फ खुद से ही जाएंगे। तो मतलब 7 × 1 इज इक्वल्स टू 7, 7 × 1 = 7 जाएगा, लेकिन 7 × 5 से नहीं जाएगा, सो 5 हमारा एज इट इज आएगा। अब यहाँ पर 1 आ गया है एंड यहाँ पर 5 है, तो 5 सिर्फ खुद की टेबल में आता है एंड 1 की टेबल में आता है, सो यहाँ पर जाएगा 5 × 1 = 5। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर हमारे प्राइम नंबर्स थे तो वो सिर्फ खुद के टेबल से ही जाएंगे, सो वो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि दोनों ही आपके प्राइम नंबर्स हैं, डायरेक्टली अगर इनको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास आ जाता है 7 × 5 = 35। एंड अगर आप इनको ऐसे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा LCM आएगा वो भी आएगा 7 × 5 = 35। सो जो भी प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, सो दे आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट नंबर्स हैं हमारे 9 एंड 5। सो यहाँ पर 5 हमारा ऑड नंबर है एंड प्राइम नंबर है, बट 9 इज एन ऑड नंबर। सो अब सिंपली हम इसका LCM निकाल देते हैं, तो इन दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज अगर हम यहाँ पर लोएस्ट नंबर लेंगे, ये दोनों ही ऑड हैं, तो 3 × 3 = 9 हो सकता है, बट 3 से 5 नहीं जाएगा। सो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 एंड 5 हमारा एज इट इज, देन ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 एंड 5 एज इट इज, देन 5 सिर्फ खुद के टेबल से ही जाएगा बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर, सो ये हो जाएगा 5 × 1 = 5, ये 1 एज इट इज आ गया। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट डायरेक्टली राइट 9 × 1 = 9 एंड 5 × 1 = 5, बिकॉज 3 इज द लोएस्ट मल्टीपल, 9 एक हमारा ऑड नंबर है, लेकिन उससे छोटा नंबर भी है जो कि 3 है, उसकी टेबल में 9 आता है, तो हम यहाँ पर लोएस्ट नंबर लेंगे, हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे कि 9 × 1 = 9 है, सिंस वी नो 9 × 5 = 45। एंड अगर हम यहाँ का LCM भी निकालेंगे तो वो भी होगा 3 × 3 × 5, 3 × 3 = 9 × 5 = 45। सो आएगा हमारा 45 एंड 45 ही, बट वी फाइंड इट लाइक दिस, सबसे पहले हम लोएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर तब भी वही आएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। सो अब हम देखेंगे 30 एंड 45 में, सो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से, क्योंकि यहाँ पे 5 × 6 = 30 हो जाएगा, सो 5 × 6 से चले जाएगा एंड 5 × 9 = 45। इस तरीके से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, पर नहीं, हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। अभी हमने यहाँ पे 5 पुट किया था, बट हमें पता है कि हम यहाँ पे लोएस्ट डिविजर पुट करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो हमें बस ये देखना है कि ये किसी एक नंबर से या इन दोनों से कट जाना चाहिए। तो 2 × 15 = 30, अगर ये 45 से नहीं भी जाएगा तो ये किसी एक नंबर से तो डिविजिबल है, सो हम यहाँ पे लोएस्ट नंबर देखेंगे, अगर ये इससे नहीं जाता तो हम आगे देखते, लेकिन 2 यहाँ पे डिविजिबल है, एक ही नंबर से है लेकिन है, सो हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 × 15 = 30, 45 से 2 नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर 45 एज इट इज रखेंगे। देन हम आगे सॉल्व करते हैं, अब हमारा जो लोएस्ट नंबर होगा, दिस इज ऑल्सो ऑड एंड दिस इज ऑल्सो ऑड, तो हम यहाँ पर 3 से करेंगे, क्योंकि 3 लोएस्ट कॉमन डिविजर है, तो हम यहाँ पर 3 से करेंगे, तो 3 × 5 = 15 एंड 3 × 15 = 45, सो यहाँ पर 15 × 3 = 45 होता है, 5 × 3 = 15 होता है। नेक्स्ट हमारे पास में 5 है एंड 15 है, सो ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं,
बट हम उसे कोई कम नंबर देखना चाहते हैं जिससे इन दोनों में से कोई एक डिविजिबल हो पाए. सो अगर हम देखें 3, सो 3 × 5 होता है 15. 5 उससे नहीं जाएगा लेकिन 3 × 5 = 15 होता है. तो अगर मैं यहाँ पर 3 × 5 कर दूंगी तो 3 × 5 = 15 एक बार जा रहा है, तो 5 यहाँ पर एज इट इज. सो हमने यहाँ पर अगर हम 5 से भी डिवाइड करते वो तब भी हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पर 5 नहीं लिया, हमने यहाँ पर 3 लिया क्योंकि वो लोएस्ट नंबर था. तो हम यहाँ पर लोएस्ट नंबर लेंगे एंड 3 × 5 एक बार जा रहा था तो हमने यहाँ पर 3 पुट कर दिया. अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 5 × 1 = 1. तो हमारा ये पूरा हमारा एलसीएम निकल कर आ गया है और लास्ट में हमारा 1 × 1 आ गया. अब हम एलसीएम निकाल सकते हैं इन सब का मल्टीप्लिकेशन. 2 × 3 × 3 × 5 इन सब का मल्टीप्लिकेशन किया, दैट इज इक्वल्स टू 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18 एंड 18 × 5 इज इक्वल टू 90. सो एलसीएम ऑफ 30 एंड 45 इज 90. तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो नंबर्स का एलसीएम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज टैप ऑन द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.